At first, good evening, my dear friends. So, ये आप लोगों का क्लास 9 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. द नेम ऑफ योर चैप्टर इज नंबर सिस्टम. आपके चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम. एंड ऑल ऑफ यू नो कि हमारे स्कूल में लगातार ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, जिससे मतलब काफ़ी बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला है. और इस लॉकडाउन के समय में भी बच्चे अपने घर से पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं और सारा चीज सारा वर्क कर रहे हैं. और इन दिस द टाइम ऑफ पैंडमिक द स्टूडेंट्स अवेल दिस पैंडमिक, मतलब इस पैंडमिक को भी स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी में बना रहे हैं. तो नाउ आई विल डिस्कस योर चैप्टर फॉर क्लास 9. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम. बिफोर सेइंग एनीथिंग आई वांट टू से द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आप लोग मार्केट में जाके ऑल इन वन बुक खरीद लें, ऑल इन वन गाइड खरीद लें. एक गाइड है, उसका नाम है ऑल इन वन. क्या नाम है? ऑल इन वन. ये गाइड खरीद लें पांचों सब्जेक्ट के लिए, फॉर इंग्लिश, फॉर मैथमेटिक्स, फॉर साइंस, फॉर सोशल साइंस एंड फॉर संस्कृत. पांचों सब्जेक्ट के लिए आप ऑल इन वन गाइड खरीद लें मार्केट में जाके. और जिसको मार्केट में नहीं मिलता वो स्कूल में भी आके खरीद लें ये ऑल इन वन गाइड. ऑल इन वन गाइड यहाँ आके खरीद लें, क्योंकि ऑल इन वन गाइड खरीदने से आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा. और आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस से ही एग्जाम में आप मार्क्स फेच कर पाएंगे. सो आप ये ऑल इन वन गाइड खरीद लें पांचों सब्जेक्ट के लिए. फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश कम्युनिकेटिव, फॉर सब्जेक्ट संस्कृत एंड फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फॉर सब्जेक्ट साइंस एंड सोशल साइंस. पांचों सब्जेक्ट को ऑल इन वन खरीद लें, क्योंकि आप लोगों को जो यहाँ ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों का जो वर्क दिया जाएगा वो ऑल इन वन गाइड से ही खरीद दिया जाएगा. इसलिए सबको ये मस्ट है कि आप ऑल इन वन गाइड खरीद लें. जिनको नहीं जा पाते वो स्कूल में आए और स्कूल आकर यहाँ से ऑल इन वन गाइड परचेज कर लें. अब नाउ वी डिस्कस द चैप्टर नंबर सिस्टम. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स. द फर्स्ट थिंग इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे. द नंबर व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, दैट द नेचुरल नंबर इज द नंबर व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग. और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 टू इंफिनिटी. दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर आप लोग समझ में आ गया. द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. सेकंड थिंग इज होल नंबर. सो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो. जितने नेचुरल नंबर है और उसमें अगर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे? होल नंबर. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट जीरो इज अ होल नंबर. जब सारे नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो मिला देते हैं तो कौन सा नंबर बन जाता है? होल नंबर. होल नंबर क्या हुआ? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. जितने भी नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम लोग जीरो मिला देंगे तो उस नंबर को क्या कहेंगे? होल नंबर. तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, द कांसेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर. द ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड इफ द नेचुरल जीरो इज टेकन विद नेचुरल नंबर देन नेचुरल नंबर बिकम्स होल नंबर. द थर्ड थिंग इज इंटीजर्स. द थर्ड थिंग इज इंटीजर्स. सो व्हाट इज इंटीजर्स? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स दैट इज पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. The integer is the collection of all whole numbers, whether it is positive, whether it is negative or zero. So what is integer? Integer is a पूर्ण संख्या. कोई भी संख्या को अगर पूर्ण हो, जैसे एक रोटी, दो रोटी, वो क्या हुआ? वो हुआ integer.